गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है, वो है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सुना होगा, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या था कि जो सेंटेंस में हमारे जो भी पार्ट यूज हो रहे हैं, वो नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, वो आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि वो क्या चीज़ है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं लिटरेरी मीनिंग के अलावा जो अलग मीनिंग दे रहा है वो आपके फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, सुंदर बनाने के लिए, स्पीच को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? वही तो वर्ड्स होते हैं ना जो कि आपके वर्ड्स, ऑर्नामेंटल वर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो आते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि जिस श्रृंगार का, जैसे लेडीज तैयार होने के, कोई भी जेंट्स, लेडीज, कोई भी पर्सन है, वो तैयार शार होने के लिए क्या करता है, एक्सेसरीज का यूज करता है। वैसे ही हम अपने लिटरेरी, अपने राइटिंग्स को अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, वो क्या होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। वो ऑर्नामेंटल वर्ड्स हम उनको बोल सकते हैं, जो वे फिगर ऑफ स्पीच है, ये क्या आपके ऑर्नामेंटल वर्ड्स हैं। ऑर्नामेंटल वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपके वर्ड्स को सुंदर बना, जो आपके स्पीच को सुंदर बनाते हैं, आपके इनको बोल सकते हैं हम ऑर्नामेंटल वर्ड्स। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या, फिगर ऑफ स्पीच इज समथिंग विच इज यूज टू कन्वे अ मोर डीप मीनिंग। ये क्या है आपके फिगर ऑफ स्पीच? वो है जो किस लिए यूज की जाती है, जो आपके गहराई में जो उसका मतलब निकल रहा है उसको बताएंगे, एक गहराई का अर्थ बताने के लिए। एक तो सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल से सेंटेंस होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग हैवली, इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि बहुत तेज बारिश। लेकिन इसको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में बोलेंगे तो वो कैसे बोला गया, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसमें ये थोड़ी ना कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, नहीं, इसका मतलब क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। तो ये जो है ये क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, लेकिन ये क्या था, लिटरली जो जैसा है वैसे का वैसे शो कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच में हम नॉन लिटरल सेंस यूज करते हैं। नॉन लिटरल सेंस मतलब जैसे वर्ड्स जैसे दिख रहे हैं उनका मीनिंग वैसा नहीं होता, उनका मीनिंग कुछ डीप होता है, देयर इज डीप इनसाइड दोज वर्ड्स। अब इनका यूज किस लिए किया था, कुछ चीजों को कंपेयर करने के लिए, थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, पर्सन को कंपेयर करने के लिए हम लिटरली जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है उनका यूज करते हैं। बहुत सारे टाइप के, लेकिन हम कुछ कॉमन जो जनरली यूज होते हैं उनका हम यूज पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी सिमिली, मेटाफर, ये कॉमनली आपके उसमें पोएम्स में, आपके जो चैप्टर्स है उनमें यूज होते रहते हैं। जैसे सिमिली, मेटाफर, पन, एलिटरेशन, ये सब आपने हिंदी में तो मोस्टली सब बच्चे 8 से 7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो हम बहुत रेयर कभी समझ पाते हैं। जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारे जो टेक्स्ट में आते हैं वो सिमिली आता है, मेटाफर आता है, या फिर हमारे राइम स्कीम आती है। तो जो सिमिली है वो क्या है, सिमिली में क्या होता है कि टू थिंग्स का आपस में कंपैरिजन होता है, और वो कंपैरिजन किसके बेसिस पर है, जो वर्ड्स हम यूज करें लाइक और एज वर्ड्स को यूज करके, लाइक और एज वर्ड्स को हम यूज करके टू थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी शोन एज ब्राइट एज सन, शी शोन एज ब्राइट एज सन। यहाँ पे क्या है, सन का और इस लड़की का क्या है, कंपैरिजन हो रहा है कि इनमें चमक जो है कैसी चमक, यानी कि चार्मिंग बोल सकते हैं हमको, हम उस लड़की को चार्मिंग, खुशहाल रहने वाली, वो क्या है कैसी ब्राइट है, सन की तरह। इसका कंपैरिजन किसके साथ किया, उसे चार्मनेस को किसके साथ कंपेयर किया, जो सन के साथ कंपेयर किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हर हेयर वॉज, हर हेयर वॉज As golden as the sun, as golden as the sun, यानी कि उसके जो बाल हैं सुनहरे थे, लेकिन उसका जो comparison किया, जो golden color का जो comparison किया, वो किसके साथ किया, sun के साथ किया। जो word use किया जिनसे comparison हो वो क्या है, as से क्यों है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, they fought like cats and dogs. Cats and dogs. यहाँ पर जो उनकी लड़ाई को कंपेयर किया है वो किसके, कुत्ता बिल्ली की जैसे लड़ाई होती वैसे कंपेयर किया, और जो वर्ड है जिसकी वजह से कंपेरिजन हुआ है वो क्या है, लाइक। ठीक है,
उससे मिले, उसको हम हिंदी में बोलते क्या? उपमा अलंकार आपने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से समझना हो तो आप एक बार अपने हिंदी वाली चीज भी रिलेट कर लेना। ये इंग्लिश में हमारे नेम वो डिफरेंट है, हिंदी में अलग है, तो सिमिली को हम हिंदी में बोलेंगे उपमा। अब हम पढ़ते हैं मेटाफर के बारे में। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक। इसमें भी कंपैरिजन होता है इसमें, लेकिन क्या होता है डायरेक्ट कंपैरिजन है कि जो जिन चीजों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऊपर सिमिले में भी हो रहा था, सिमिले क्या था उपमा, उसमें क्या एक चीज को दूसरे के साथ डायरेक्ट नहीं करके कुछ चीज एज और वर्ड से रिलेट करके फिर कंपेयर हो रहा था। इसमें क्या डायरेक्ट कंपेरिजन होंगे, कुछ चीजें कॉमन देखनी है इनमें, इन दोनों में क्या है कोई एक चीज कॉमन होगी जिसकी वजह से उनका कंपेरिजन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं द आईज आर द विंडो टू द सोल। एग्जाम्पल द आईज आर द विंडो टू द सोल। द आईज आर द विंडो टू द सोल। यहाँ पे क्या है जिसकी हमारी आईज हर चीज हमारे सामने दिखाती, वैसे हम अपने घर की रूम की विंडो ओपन करते तो हमें बाहर का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर क्या आईज का डायरेक्ट कंपैरिजन किसके साथ हुआ, विंडो के साथ हुआ। ठीक है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच रिलेट करके जो हमारे नॉन लिटरल सेंस आएगी वो हमारी डिफरेंट आएगी। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटाफर के। द स्नो इज द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। अब देखो स्नो क्या कभी चादर हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती, लेकिन उसको कंपेयर कर सकेगी जैसे कि उसकी पूरी चादर बिछ जाती है। ठीक है, तो उसको जो स्नो है उसका कंपेरिजन किसके साथ हुआ, ब्लैंकेट के साथ। दोनों में कॉमन चीज क्या कि वो किसी चीज को ढक देती है, तो स्नो ने किसको कवर किया, अर्थ को कवर कर दिया, किसी भी सरफेस को कवर कर दिया, जैसे कि ब्लैंकेट कर देती है कवर। तो इसलिए स्नो को किसके साथ कंपेयर किया, ब्लैंकेट के साथ कंपेयर किया। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द काम लेक वॉज अ मिरर। द काम लेक वॉज अ मिरर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, काम लेके आने की क्या है, जो शांत जो झील है वो किसका काम कर रही है, मिरर की। मिरर में भी तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, हमारी हमारी जो शक्ल है वो एज इट इज दिखाई देती है, वैसे ही क्या रिफ्लेक्शन यूं कहीं दिखाई देता है। ऐसे ही अगर जो कोई लेक शांत है, बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई करंट वेव कुछ नहीं दिख रही है, तब वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज अ मिरर, यानी कि उसमें हमारी परछाई यूं क्यों दिखाई देती है, हमारी जो तस्वीर है जो हमारी फोटो है वो यूं क्यों उसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हमारे सिमिली और मेटाफर में दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है किसलिए? सिमिली में तो आपका एज और लाइक वर्ड्स यूज करके आपका कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन मेटाफर में क्या डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, और वो कंपैरिजन हो किस बेस पर रहा है, दोनों में क्या है कोई एक चीज कॉमन है, उस चीज को देखते हुए कंपैरिजन हो रहा है। अब हम करते हैं ऑक्सीमोरन की बात। ऑक्सीमोरन क्या है, ऑक्सीमोरन में क्या है कि दो वर्ड ऑपोजिट मीनिंग के एक साथ यूज होंगे, लेकिन उनका यूज किस लिए कैसे होगा, पॉजिटिव सेंस को शो करने के लिए, पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करने के लिए। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन इसको हम बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, यानी कि दोनों के मीनिंग क्या है, उनमें दो वर्ड ऐसे यूज होंगे कि वो दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे जो मीनिंग निकलेगा वो कैसे पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके क्या है वर्ड ले लेते हैं हम डार्क लाइट। यहां पे क्या है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक दूसरे का ऑपोजिट है, कि बात क्या बता रहा है, बात ये बता रही है कि लाइट है वो कैसी है, डार्क है, मीनिंग तो ऑपोजिट है इनका, दोनों वर्ड्स का मीनिंग ऑपोजिट है, लेकिन जो इनका हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि जो लाइट है वो डार्क है। और देख लेते हैं अलोन टुगेदर। अलोन टुगेदर इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन ऑपोजिट है दोनों का मीनिंग, लेकिन का वैसे है कि एक साथ मीनिंग लिखा जाए तो वो अलग होगा। अमेजिंगली ऑफुल, अमेजिंगली ऑफुल। अब ये देखो जितने भी हमने यूज किए तीनों एग्जांपल, तीनों में क्या है
एक वर्ड दूसरे वर्ड का ऑपोजिट है, लेकिन क्या अगर सेंस देखी जाए तो पॉजिटिवली मीन पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे, शी इज प्रेटी अगली, शी इज प्रेटी अगली। आप देखो प्रेटी और अगली दोनों वर्ड आपस में ऑपोजिट हैं, लेकिन इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि वो बहुत ही बदसूरत है। ठीक है, ऐसे ही अब हम करते हैं आगे, हमारे जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो है पन। पन का मतलब क्या होता है? पन का मतलब था आपका श्लेष अलंकार। श्लेष में आपने पढ़ा होगा कि हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसा वो होता है उतना नहीं बताते उसको, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं, और वो हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे पन। पन में क्या होता है कि शब्दों का खेल होता है आपस में। श्लेष अलंकार में आपने पढ़ा होगा कि उसमें वर्ड्स का ही आपस में प्लेइंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, टू पीनट्स walk into a bar and one was assaulted। अब देखो peanuts मटर के दाने, क्या वो बार में जा सकते? नहीं, लेकिन इस चीज को क्या है, वर्ड्स के साथ उनकी गेम करी जा रही है, प्ले ऑन वर्ड्स। इसको हम बोल सकते हैं, पन को क्या बोलते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स। इसमें क्या हो रहा है, जो वर्ड्स है, अब देखो पीनट्स तो कहीं चल के तो नहीं जा सकते, लेकिन इसमें जो सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, टू पीनट्स वॉक इन टू बार एंड वन वॉज असॉल्टेड। ठीक है, अब इसका देखो कितना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, A boiled egg for breakfast is hard to beat. A boiled egg for breakfast is hard to beat. अब देखो यहां पर उसकी पिटाई थोड़ी ना करने, बीटने, वैसे फेंटना होता है, कच्चे अंडे को फेंटते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट इज हार्ड टू बीट, यानी कि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसपे हमारे जल्दी से हम थकान फील नहीं कर सकते। तो इनका मीनिंग देखो, अगर हम इनका लिटरल मीनिंग ढूंढेंगे तो अलग अलग इसका मीनिंग आ रहा है, कुछ और ही मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है कोई, हमें पता चल जाएगा कि कैसे किसमें वर्ड्स के साथ प्ले हो रहा है, तो इसका मीनिंग कुछ हमारा डिफरेंट आएगा। अब हमारा आता है एलिट्रेशन, जो कि आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत ईजी, जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन अनुप्रास, जिसमें क्या आपके वर्ड्स सेम साउंड के वर्ड्स का रिपीटेशन होता है। सेम साउंड मतलब फर्स्ट लेटर के साउंड क्या है, मोस्टली सेम होते हैं, सेम लेटर से बिगिनिंग वाले, एलिट्रेशन को बोलते हैं हम अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यूजेस रिपीटेड लेटर साउंड एंड थ्रू आउट द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में उसी एक लेटर की साउंड बार बार रिपीट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, द हाई हॉर्स हॉप्ड अलोंग द हाईवे, द High horse hopped along the highway. अब इसमें देखो H continuously repeated H की sound आ रही है। ठीक है, repeated letter की sound आ रही है, that means ये क्या है, एलिट्रेशन यहां पर यूज हुआ है। एक और लेते हैं हम, शिप शुड स्लीप इन अ शेड, शिप शुड स्लीप इन अ शेड। अब यहां पे इस सेंटेंस में भी देखो S कंटिन्यूअस लगातार रिपीटेड S की साउंड आ रही है, S लेटर की साउंड आ रही है। फिर देखते हैं एक और, ब्लैक बग बेटा बिग ब्लैक बियर, ब्लैक बग बेट अ बिग ब्लैक बियर।
सेंटेंस में देखो, रिपीटेड साउंड ऑफ लेटर बी, रिपीटेड साउंड ऑफ लेटर बी कंटिन्यूसली आ रही है, दैट मींस यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन। ये तो क्या हमारे जो कॉमनली हमारे यूज फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं। आप कभी चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर की रीडिंग करते हैं, पोएम की रीडिंग करते हैं, तो कई बार हम मीनिंग कैसे निकालते हैं, लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट होता है किस बेसिस पे, जो मैं फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज की गई, क्योंकि पोएम को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग ताकि वो दिखे, उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस पोएट यूज कर देता है। राइटर है वो अपनी राइटिंग से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज करता है, जिसकी वजह से उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच की से मीनिंग जो डिफरेंट है, वो हमें पता है कैसे चलेगा, जब हमें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का कैसे हमें पता चलेगा। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इनका यूजेस आप जब अपनी रीडिंग करते हैं उस टाइम पे इनको देखना कि क्या इनका यूज हो रहा है, वजह से अकॉर्डिंग है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।